बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान दास। नाज़रीन, आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर जेल भरो भरो तहरीक में जो गिरफ्तारियां देने वाले जो कारकुनान थे उनकी रिहाई जो है वो हो चुकी है, जो कि रावलपिंडी और लाहौर से जिनकी गिरफ्तारियाँ हुई थी। इस मौके पर जो है उनके कारकुनान और जो वहाँ के जो उनके लोग थे, जो सपोर्टर्स थे, वो जेल के बाहर बड़ी तादाद में पहुँचे, जिसमें जो है शाह महमूद कुरैशी और असद उमर जो है, जो जब वो जेल से बाहर आए तो कारकुनान ने जो है उनके पर फूलों की पत्तियां भी निशावर की, और इसके अलावा इमरान खान के हक में नारे भी लगे। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और बातें हो रही हैं इलेक्शन के हवाले से। तो क्या ये मौका है इलेक्शन करने का? क्योंकि अगर हम बात करते हैं मुल्क की अभी जो सिचुएशन चल रही है, महंगाई की अगर हम बात कर लें, या फिर अगर हम अभी हुकूमत की सिचुएशन की बात कर लें, क्या हमारी हुकूमत इस कंडीशन में है कि अभी फौरन इलेक्शन हो जाए? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पीटीआई के रहनुमा जो है, उनकी लीडरशिप जो है, वो जोर दे रहे हैं जनरल इलेक्शन की तरफ। तो इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई से गौहर खटक साहब और एमकेएम पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं राजा राशिद साहब। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। सर, पहले तो हम बात करते हैं कि जिस तरह से गिरफ्तारियां अमल में आई थी रावलपिंडी और लाहौर से, आपके कारकुनान की बड़ी जो है तादाद जेल के बाहर भी पहुंची है, और इसके अलावा जिस तरह से हमने देखा कि कारकुनान और जो वहां के उनके जो सपोर्टर्स थे, जिस तरह से उन्होंने रिहाई के बाद जो है जेल भरो तहरीक जो स्टार्ट हुई थी, जो कि लाहौर और फिर रावलपिंडी और इसके बाद जो है गिरफ्तारियां अमल में आई, और फिर उसके बाद जिस तरह से हमने देखा कि गिरफ्तारियों के बाद फौरी तौर पे जो है जमानत की भी तैयारियां करवाई गई, तो आज मतलब कल जिस तरह से हमने देखा कि ये फाइनली जो है असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनकी रिहाई हो चुकी है। तो मैं गौहर खटक साहब आपसे जानती हूँ, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, जो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था जेल भरो तहरीक, जी जी, ये हमने किसी मकसद के लिए शुरू किया था, क्योंकि इस इम्पोर्टेड हुकूमत और पंजाब में हमारे लोग बिला वजह गिरफ्तार हो रहे थे, एफआईआर हो रही थी, और हम जब कोई इवेंट करते थे तो हमारे ऊपर एफआईआर कर देते, गिरफ्तारियाँ डाल देते, तो हमने उनका वो शौक पूरा करने के लिए हमने कहा जी आप क्यों इतनी तकलीफ कर रहे हैं, हम खुद जेल भरो तहरीक शुरू कर लेते हैं। अच्छा, जेल भरो तहरीक जब हमने शुरू की तो उसका रिस्पांस ऐसा आया कि हज़ारों की तादाद में लोग जेलों के बाहर चले गए। अब आपको पता है पाकिस्तान की जेलों में जगह है नहीं, क्रिमिनल लोग इतने ज़्यादा है कि आम आदमी के लिए जगह है नहीं। जब हम वहाँ गिरफ्तारियाँ देने गए तो इन्होंने हमारे कारकुनों को तो गिरफ्तार नहीं किया, हमारे लीडर साहिबान जो थे इमरान खान साहब के कॉल पर लब्बैक, उनको गिरफ्तार किया गया। जब उन्होंने गिरफ्तारियाँ दी तो अभी वो प्रोग्राम हमारा चल रहा था, वो रुका नहीं था, वो केपीके और पंजाब से हो तो वह अभी सिंध में आना था और बलूचिस्तान में जाना था, लेकिन इस दौरान हम जिस मकसद के लिए निकले थे कि कानून पे और आयन पे अमल दरामद होना चाहिए। ठीक है सर, मैं आपके पास आती हूँ। पहले अपने नाज़रीन को बताया, वफाकी वजीर शाज़िया मरी वर्किंग कन्वेंशन से आवाम से गुफ्तगू कर रही है। ने कहा कि इस इलाके को यूनिवर्सिटी की जरूरत है, ये है मुतालबात, इसको कुर्सी चाहिए। वो एक शख्स जिसका नाम इमरान नियाज़ी है, मैं आप नाज़रीन वफ़ाक़ी वज़ीर शाज़िया मरी अच्छा जी, देखा कि शाज़िया मरी जो है वो वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रही थी, तो अब वहाँ पे भी बात इमरान खान साहब की हो रही थी। मकसद ये था कि हम आयन पे अमल दरामद, ठीक है ठीक है, आयन का ये था कि जब आप असेंबली डिसॉल्व करते हैं तो आपको 90 दिन में इलेक्शन करा लेते हैं, तो हमने कुर्बानी दी केपीके और पंजाब में हमारी हुकूमत थी वहाँ पर हमने कुर्बानियाँ दी, हमने अपनी असेंबली खुद डिसॉल्व की कि जी फ्रेश मैंडेट के साथ आना चाहिए जो भी हुकूमत आए, तो ये वहाँ एक महीना हो गया था और ये लोग इलेक्शन के लिए ना डेट दे रहे थे ना इलेक्शन पे बात हो रही थी, ठीक है। तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आ गया है कि 90 डेज में इलेक्शन होना चाहिए जी। तो उसको देखते हुए हमने अपने गिरफ्तारियों के जो हमारे गिरफ्तार रहनुमा थे उनकी जमानती भी कराई, क्योंकि अब हमें इलेक्शन कंपेन में जाना है, केपीके और पंजाब में इलेक्शन हो रहा है और उसके लिए हमें तैयारियाँ भी करनी है। बड़ा मुख्तसर टाइम आ गया, मेरा ख्याल है 30 अप्रैल फाइनल हो गया है पंजाब का और 7 मई या 30 अप्रैल वो केपीके में भी इलेक्शन होगा। जब ये दोनों सूबों में इलेक्शन होगा हमें इलेक्शन कंपेन करनी है, तो अब हमने वो तहरीक जो हम जेल भरो तहरीक चला रहे थे
उसको मुनकता कर दिया, उनको स्टॉप कर दिया। और इलेक्शन कैंपेन में आज इंशाल्लाह खान साहब ओपनिंग करेंगे हमारे केपी के और पंजाब के इलेक्शन मुहिम की, और हमने भरपूर तरीके से इलेक्शन मुहिम में जाना है। जहाँ तक बात है, इस हुकूमत से चल नहीं रहा है सिस्टम। आपने देखा कि इसने पाकिस्तान के साथ क्या किया, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, डॉलर कहाँ पहुँचा दिया, मैशत कहाँ पहुँचा दी, महंगाई कहाँ पहुँचा दी, गरीब आवाम का तो कोई पूछने का वो ही नहीं है। जब तक इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो जाता है, नई हुकूमत नहीं आती है जिससे आवाम की हिमायत हासिल हो, उस वक्त के सुधर ही नहीं सकता है, न पाकिस्तान आगे जा सकता है। इन्होंने एक साल में जो करना था कि इनके साथ 11 पार्टियां मिली हुई है, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ बैठी हुई है, लेकिन एक साल से पाकिस्तान मुसलसल पीछे जा रहा है और इतना पीछे चला गया कि 70 साल में इतना पीछे नहीं गया। एस्टेब्लिशमेंट तो आपके साथ भी थी, एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ थी तो हम तो अच्छा चला रहे थे, हमें क्यों हटाया गया, हमें क्यों हटाया गया, हम डॉलर कंट्रोल किया हुआ था, मैशियत को कंट्रोल किया हुआ था, पाकिस्तान कोरोना में बेहतरी परफॉर्म कोरोना में बेहतर परफॉर्म कर रहा था, हमें हटाने की वजह क्या थी, कोई रीजन था, हमें हटाने की वजह ये थी कि पाकिस्तान में महंगाई हो गई, वो महंगाई 5% थी, आज महंगाई 50% हो गई है, तो कोई जवाब दे है इसके लिए, कौन जवाब दे कि क्यों पीटीआई को, हमें पूरे 5 साल मैंडेट दिया होता ना इन्होंने, 5 साल के बाद इलेक्शन में जाते लग पता जाता। सर पौने 4 साल तो आपके पास थे, अगर 1.25 साल आपके पास बच गया तो उस 1.25 साल में आप लोग क्या करते? जी मैं आपको बता दूं, 1.25 साल में हम सबसे पहले तो ये करने जा रहे थे कि हमारे रेशिया से बात हो गई थी, ये आज जो डॉलर आपका 280 पे था ये 130-140 पे रहना था, पेट्रोल की कीमत जो आपकी आज 270 रुपए की 150-40 पे रहनी थी, गंदम जो आपका इतना बढ़ गया वो नहीं बढ़ना था, हमारे रेशिया से कमिटमेंट हो गई थी, रेशिया पूरी दुनिया की तरह हमें 30% रियायत पे दे रहा था और हमें डॉलरों में नहीं दे रहा था, हमें रुपयों में दे रहा था, और उससे हमारा बिजनेस अच्छा होता, हम आगे डॉलर में उसको सेल भी कर सकते थे, ये सब कुछ हो रहा था, अच्छा हो रहा था पाकिस्तान के लिए। आप सोच सकते हैं कोरोना में जिस तरह पाकिस्तान को इमरान खान और पीटीआई ने चलाया, पूरी दुनिया में कोई मुल्क नहीं चला, और इसी तरह इस मुश्किल से भी हमने इसमें निकालना था, रशिया से हमारी कमिटमेंट हो गई थी, जिसपे बाजवा साहब को बड़ी तकलीफ हुई और अमेरिका को तकलीफ हुई, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी जो बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे थे कि जी अमेरिका ने नहीं हटाया है, इमरान खान को हमने हटाया है, तो अगर आपने हटाया है तो आप आ जाओ ना, संभालो ना हुकूमत, आप करो ना, क्यों बेड़ा गर्क कर दिया आपने पाकिस्तान का, आपके पास क्या पॉलिसी थी, आपने क्या किया? और जहां तक हमारे एमक्यूएम के दोस्त है वो भी बड़े, जब हम पेट्रोल 2 रुपए महंगा कर लेते तो खालिद मकबूल सदीकी साहब आते कि जी महंगाई हो गई है, अब हम ढूंढ रहे हैं एमक्यूएम वाले कहां है, कराची की आवाज क्यों नहीं बन रहे, पाकिस्तान की आवाज क्यों नहीं बन रहे, इससे और मजीद कितनी महंगाई होगी, इससे मजीद महंगाई तो लोग मर जाएंगे, रोडों पे लाशें पड़ी होगी, तब आप आओगे, आवाज उठाए ना, क्यों इस हुकूमत के साथ बैठे हुए, अब उनके मुफादात है, उनको फंड मिल रहे, कल 7 अरब रुपए इनको रिलीज किए गए इस हालात में भी कि जी आप अपने हलकों में मजे करें, कार्रवाइयां करें, काम करें, और आप लोग अयाशियां करें, आवाज ना उठाए महंगाई के खिलाफ, कहां पर है एमक्यूएम, क्यों नहीं उठा रही आवाज? ठीक ठीक है सर, एमकेएम पे अली जैदी भी जो है थोड़ा सा नाखुश नजर आए हैं, वो कहते हैं कि हमने देखा जब हमारी हुकूमत थी उस पर जिस तरह से एमकेएम ने अपना किरदार अदा किया, हुकूमत भेजने में नई हुकूमत का साथ दिया, और मतलब महंगाई वहीं की वहीं है बल्कि इससे ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन एमकेएम पाकिस्तान की कोई उसमें जो अभी पार्टिसिपेशन नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि पिछली हुकूमत जो है वो महंगाई की वजह से ही ख़त्म हुई थी, और अब जो नई हुकूमत है इसकी अगर हम बात करते हैं तो महंगाई की शरह आसमानों में पहुँची हुई है, लेकिन किसी किस्म का कोई आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा है और एमकेएम भी चुप नज़र आ रही है। जी पाकिस्तान जो है जब से कोई भी गवर्नमेंट, जैसे आपने पहले पीटीआई गवर्नमेंट का कहा कि हम उसका पार्ट एंड पार्सल थे, अभी इस पीडीएम गवर्नमेंट के अंदर भी हमारी कंट्रीब्यूशन है उसमें, अभी देखें हम तो हर लेवल के ऊपर, हमने नेशनल लेवल के ऊपर अपना जो हमारा रोल था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है या असम्बलियों के अंदर जो रोल है वो हम प्ले करते आ रहे हैं, और वो जगह तो उस चीज़ को बेस करके आप जो है वो किसी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि एमकेएम पाकिस्तान ने अभी जैसे ये पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि इतने अरब रुपया वो मिल गया है और अपने हलकों में चले जाएं, ये सिर्फ जो है वो फॉर्मल बातें हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर या फील्ड के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। और तीसरी बात ये है कि एमकेएम ने अपनी देखें 2-3 इश्यूज पाकिस्तान के वो जेन्युइन इश्यूज हैं, और हम कराची का मैंडेट लेने के बाद, हैदराबाद या और एरियाज का मैंडेट लेने के बाद
हम हमेशा भरपूर, क्योंकि कराची से जो चीज़ उठती है वो उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो चीज़ जाती है। तो हमने तो हमेशा दो तीन चीज़ों को फोकस किए रखा कि इन चीज़ों को उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो भी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर रिट होती है गवर्नमेंट की उसकी इम्प्लीमेंटेशन करे। पहले हम पीटीआई के साथ थे तो तब भी, अभी जो फेडरल लेवल की पार्टीज़ मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है, दो तीन चीज़ें ये 74-75 साल से पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही, जिसकी वजह से सिर्फ कराची नहीं, सिंध ही नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास है वो सफ़र कर रहा है। एक वो लोकल गवर्नमेंट का इशू है जो कि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, अभी देखें सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी वो भी एमकेएम पाकिस्तान की पिटीशन के ऊपर जो जजमेंट आई लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के हवाले से, पीटीआई की तरफ से भी और जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है इनकी तरफ से भी हमेशा लोकल गवर्नमेंट की बात की गई, लेकिन जब ये पावर में आए असेंबलियों के अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने उसमें नेशनल असेंबली में लेजिस्लेशन होनी है, एक रिक्विजिशन मूव होनी है, आर्टिकल 140A के अंदर एक चैप्टर ऐड होना है जिसमें लोकल गवर्नमेंट के बारे में लिखना है, उसके अलावा 160 के तहत डायरेक्ट पैसे देने हैं, तो ये इसके अंदर कोई फंड नहीं चाहिए, इस रिक्विजिशन को मूव करने के लिए कोई फंड नहीं चाहिए, कोई भी नहीं करता। पीटीआई की गवर्नमेंट थी उस वक्त, इन्होंने जब गवर्नमेंट में आने से पहले लोकल गवर्नमेंट का ये हमेशा से कहते थे कि उसको एम्पावर करना चाहिए, और जब ये गवर्नमेंट से निकल गए तो उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने तीन चार महीने पहले एक टीवी पे स्टेटमेंट दिया, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई जब हम पावर में थे, हमें लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना चाहिए था। तो ये वो बात है जो कि हम, एक तो ये चीज है, दूसरा मेन इशू था ना इसके, जी इसके ऊपर तो काफी टाइम से पीटीआई भी और एमकेएम भी एक ही पेज पर थी। नहीं, वो जब पावर के अंदर होते हैं उस वक्त उन्होंने, अभी देखे ना हम जब एक अकलियत के अंदर हैं, भूले नहीं है, केपीके में हमने साबित किया है, हम जब एक अकलियत के अंदर होते हैं, जब हम हमारा वोट, हम जो असेंबलियों में जाके कितनी सीटें होती हैं हमारी कि हम उसको वन हैंडेड जाके इसको बिल को अप्रूव करा दें, इसके ऊपर तो बड़ी जो फेडरल लेवल की पार्टीज हैं चाहे वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है या पीटीआई है, इन लोगों को इसके ऊपर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। और इससे सिर्फ हमारा फायदा नहीं है, इससे एक इंटेंशन वाजी होती है, ये फर्स्ट इशू है। सेकंड इशू सेंसिस का है, ये कराची या सिंध में ही नहीं पूरे पाकिस्तान में ये सेंसिस का इशू है। सही तरीके से अगर आप भी इसकी काउंटिंग कर देते हैं, खास तौर पे कराची की, अगर तो आप देखेंगे आपकी सारी अंदरूनी सिंध की जो सीटें हैं वो शिफ्ट हो जाएंगी यहाँ पे, अगर आप सही तरीके से 3.5-4 करोड़ आबादी की काउंटिंग सही तरीके से हो जाती है तो आपकी अंदरूनी सिंध की नेशनल असेंबली की प्रोविंशियल असेंबली की सीटें वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी, जिस वजह से चीफ मिनिस्टर वही बनेगा जो कि यहाँ शहर से जीतेगा। तो ये मेन वजह है जिस वजह से पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा इस चीज को जो है वो उसके रास्ते में रोड़े अटकाती, उसका अल्टीमेटली नुकसान किसको हो रहा है, पब्लिक ऑफ पाकिस्तान को। तो हम तो अपनी बिसात पे अपना जितना हमारा मैंडेट है उस मैंडेट के मुताबिक हम उस आस में उस गवर्नमेंट के साथ जाते हैं कि शायद ये कर दे, वो नहीं करते, फिर दूसरे के पास जाते हैं शायद ये कर दे, हमारी पोजीशन तो ये, उस वजह से आप हमें ये क्रिटिसाइज कर होता है कि आप गवर्नमेंट के साथ उस गवर्नमेंट के साथ चले जाते हैं फिर इस गवर्नमेंट के साथ। तो भाई हम वहां टेबल पे बैठ के, एक तो ये रास्ता है असेंबली का, एक दूसरा रास्ता है रोड का, या तो हम वो रोड वाला शुरू कर दें असेंबलियों में से निकल जाएं, ठीक है, या फिर असेंबली के अंदर बैठ के उनको बोलें भाई ये काम आप करें, ठीक है। तो राशिद साहब आपके पास बिल्कुल आती, लेकिन इससे पहले हमारे गेस्ट में लाइन पे ज्वाइन कर चुके, हमारे साथ मौजूद है DIG ट्रैफिक कराची अहमद नवाज साहब। सर थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। सर शहर कराची की आवाम जो है, जिस तरह से हमने देखा कि 9 दिन की मोहलत दी गई थी गाड़ियां जो है अपने नाम पे ट्रांसफर करवाने के लिए, जिनकी ओपन लेटर, जिन जो ओपन लेटर पे गाड़ियां यूज कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, उनको कहा गया था, उन फौरी तौर पर हिदायत दी गई थी कि आपने फौरी तौर पर अपने नाम पे इसको कर लेना है। क्या आपको लगता है कि कराची की आवाम ने इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किया है? जी जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ऐसी बात है, और जो मोहलत दी गई थी वो मोहलत भी खत्म हो गई है, और बहुत ज्यादा कराची की आवाम ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया है। आप चेक करवा सकते हैं, फील्ड सर्वे करवा के देख सकते हैं कि मोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर बहुत ज्यादा रश है और बहुत ज्यादा लोग जो है वो वहां जा रहे हैं अपनी गाड़ियां अपने नाम ट्रांसफर करवाने के लिए, और ट्रैफिक पुलिस इस सिलसिले में जो है वो जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है उसके ऊपर पूरी तरह से अमल दरामद करवा रही है। ऐसी गाड़ियों को बंद भी किया जा रहा है, ऐसी गाड़ियों को चालान भी किया जा रहा है, और जो दीगर कानून के अंदर
इकदामात हैं वो तमाम के तमाम अपनाए जा रहे हैं। ठीक है सर, 9 दिन मुकम्मल हो चुके हैं या होने वाले हैं, अभी 2 दिन मेरे ख्याल से बाकी है इस पे, 2 या 3 दिन। सर अब मैं ये पूछना चाह रही थी, जो कि एक घर में जिस तरह से हमने देख, मतलब आपको भी पता है कि अगर कोई वाले जो आउट ऑफ कंट्री है और घर में जो है किसी खवातीन को गाड़ी नहीं चलानी आती है और वो वाले के नाम पर गाड़ी है और बच्चा जो है वो जैसे घर की कोई ग्रोसरी वगैरह या मदर की हेल्प करने के लिए वो गाड़ी ड्राइव करता है, और अगर खुद अगर उसको पुलिस पकड़ लेती थी, उसके लिए क्या किसी किस्म का कोई रिलीफ होगा या फिर उसके लिए कोई सजा होगी, क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि ये एक कराची की आवाम का बहुत बड़ा सवाल है। जी मैं आपके तवज्जो से इस सिलसिले में वजाहत देना चाहूंगा कि कानून जो है इसके अंदर इजाजत है, तमाम लोगों को इल्म में होना चाहिए कि जो भी गाड़ी चलाता है उसके अगर नाम पे नहीं है गाड़ी तो ओनर से उसके नाम पे एक ऑथराइजेशन लेटर होता है कि जो बना के गाड़ी के अंदर रखा जा सकता है, और जो शख्स फिर गाड़ी चला रहा है उसके पास अपना शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और वो ऑथराइजेशन लेटर के जरिए वो वेरीफाई कर सकता है। बिल्कुल ऐसी बात है कि गाड़ी अगर घर के अंदर एक है और घर के अंदर अफराद जो है वो 5 हैं और वो 5ों के 5ों ड्राइव करते हैं उसकी फैमिली के, तो जो ओनर की तरफ से एक ऑथराइजेशन लेटर होता है जिसमें उन फैमिली मेंबर्स का नाम जो है वो लिखा होता है, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर लिखे होते हैं। इसके अलावा ऐसे भी आपने देखा होगा कि गाड़ी जो है वो घर के ओनर की है और उन्होंने ड्राइवर रखा हुआ होता है, तो ड्राइवर के नाम का भी एक ऑथराइजेशन लेटर जो है वो बना के गाड़ी के अंदर रखा जाता है, जो कि तलब करने के ऊपर ड्राइवर का फर्ज है कि जो भी एहलकार ट्रैफिक पुलिस का हो या दूसरी पुलिस का हो वो उसको तलब करे तो वो दिखा सके कि ये जी मुझे ऑथराइज है। तो इसमें ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, ये कानून से लाइलमी की वजह से इस तरह की वो परेशानी होती है लोगों को, अगर वो कानून को समझ के उसको फॉलो करें तो कानून के अंदर हर सहूलत मुहैया की गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नवाज साहब, मैंने सुना जिस तरह से हमने देखा कि जब ये जो है कार्रवाइयाँ स्टार्ट हुई हैं, जिस तरह से आप लोगों ने क्रैक डाउन किया है, उसके बाद सजा का भी कोई आप लोगों ने रखे कि मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने अगर जो नहीं अपने नाम पर करवाता जो ओपन लेटर पर चला रहे हैं तो उनके लिए 2 या 3 मंथ्स की आप लोगों ने जो कोई पनिशमेंट भी रखी, और इसके अलावा कितनी गाड़ियाँ बाउंड की गई हैं, कितने चालान हुए हैं, ज़रा ये आप थोड़ा तफसीलन बताइएगा। थैंक यू जी। जो कानून है इसमें वो हमने नहीं बनाया है, कानून पहले से एग्जिस्टिंग कानून मौजूद है जी जी। अगर अनऑथराइज्ड की कोई किसी की गाड़ी चलाता है तो उसके लिए कानून में प्रोविजन है कि ऐसी अनऑथराइज्ड बंदे के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, और उस सिलसिले में वो मालिक की कंप्लेन के ऊपर भी, जो गाड़ी का ओनर है उसकी कंप्लेन के ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है, और इसमें इस सिलसिले में अदालत में केस चल के और उसमें सजा जो तजवीज कही गई है ये कानून के अंदर वो 3 माह तक की कैद भी है। इसके अलावा जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि कितनी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, तो मैं आपके में ये देना चाहूंगा कि ये तो कानून की खिलाफवर्जी ऑलरेडी है कि अगर आप एक गाड़ी लेते हैं और उसको आप अपने नाम से ट्रांसफर नहीं करवाते, ओपन लेटर पर चलाए रखते हैं, तो इसके लिए किसी मुहिम की या किसी ऐलान की या लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ये इसी तरीके से है कि ये हर जो ओनर है उसका फर्ज है कि वो जो भी प्रॉपर्टी खरीदता है वो उसके नाम उसको अपने नाम पे ट्रांसफर करवाए। ट्रैफिक पुलिस ने गुज़िश्ता तकरीबन 1 हफ्ते से इसके ऊपर तवज्जो देना शुरू की है और इसके सिलसिले में हम मैक्सिमम कार्रवाइयां कर रहे हैं, और गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान ट्रैफिक पुलिस कराची ने कोई 5,500 से ज़ायद ऐसी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की है जो कि उनके मौजूदा मालिकान ने अपने नाम से ट्रांसफर नहीं करवाई थी। ओके ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद नवाज़ साहब, आपने अपना टाइम दिया। जिस तरह से मैंने अहमद नवाज़ साहब से गुफ्तगू की, क्योंकि ये कराची के हर शहरी की का यही क्वेश्चन था, वो ये चाहते थे कि मतलब इस चीज़ का मुझे हमें आंसर मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपने नाम पे नहीं करवाए, उनके प्यारे मुझसे बाहर हैं या किसी न किसी सिचुएशन की वजह से वो नहीं करवा सके थे, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, 9 दिन का टाइम था, और उसमें जो है क्योंकि बहुत कम मोहलत थी और उसमें इतनी जल्दी जो है नहीं करवा सकते थे। तो मैंने सोचा मैं ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें कहा था कि
अगर आप लोग क्योंकि फीडबैक वगैरह ले रहे होते तो उस पर ये था कि आपने ये क्वेश्चन जरूर करना है, तो ये आप क्या कहते हैं सवाले से, मतलब ये एक अच्छा अमल है? देखें जी, ये जितना क्राइम जराइम खासतौर पर कराची के अंदर बढ़ गया है उसके लिए तो ये बहुत जरूरी है। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस ऑलरेडी मौजूद है जिसका ये जिक्र कर रहे थे, पेनल कंसिक्वेंसेज भी है उसकी कि कब कब जो है वो किस लॉ की वायलेशन के बाद आप उसकी सजा दे सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये तो बहुत जरूरी है, अनऑथराइज्ड ये सारी जितने भी क्राइम जराइम हो रहे हैं उसमें अंदर एक तो बाइक्स यूज होती हैं और दूसरा ये बाकी जो गाड़ियां हैं वो भी उसमें यूज, तो उसमें अगर पुलिस इसकी चेकिंग करेगी, ट्रैफिक पुलिस भी अगर, तो अनऑथराइज अगर कोई भी पर्सन इस तरीके से रिस्ट्रेन होगा तो अल्टीमेटली इस जराइम की रोकथाम में जो है वो पुलिस को काफी हेल्प होगी। तो इस तरीके से आप ये प्रीएंटिव मेजर्स हैं, ये बहुत अच्छा जिनका भी विजडम है सिंध गवर्नमेंट का या पुलिस की तरफ से, पुलिस मिलके आपस में ये बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है, इसको हम बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे और इसी तरह की मेजर्स लेनी चाहिए। ये वो प्रीएंटिव मेजर्स आप ले रहे हैं कि जो एक जुर्म होने से पहले रोकने के लिए, और मुझे लगता है कि हमारी ट्रैफिक पुलिस को जो है ना ये इस वक्त ये एक्शन लेने की बहुत जरूरत है, क्योंकि मैंने देखा बीच में जैसे फैंसी नंबर प्लेट उसके ऊपर भी क्रैकडाउन किया गया था, फिर वो दोबारा से जो है वो फैंसी नंबर प्लेट्स मुझे नजर आना शुरू हो गई है, जो ट्विटेड ग्लासेस थे जो मतलब उनके भी लिए कहा गया था कि वो भी नहीं होने चाहिए, लेकिन वो फिर से दोबारा से वो मतलब बगैर किसी आपके पास जो है वो लेटर के वो जो होता है अथॉरिटी लेटर जो होता है अपनी मर्जी से शहर कराची की आवाम अपनी जिंदगी जी रही होती है। ब्लैक जो ग्लासेस हैं ये भी पर्टिकुलरली और उसके बाद अथॉरिटी लेटर जो इन्होंने कर दिया ये बहुत जबरदस्त है, इससे वही पर्सन इसको ड्राइव कर रहा होगा, लेकिन इनको एक ऐसा मैकेनिज्म रखना चाहिए कि कोई फेक अथॉरिटी लेटर जो है वो, क्योंकि ये चीजें भी काफी होता है कि जब आप कोई किसी चीज को मैंडेटरी कर लेते हैं तो लोग, तो इनके पास वो सिस्टम होना चाहिए कि उसको भी ये वेरीफाई कर सके कि चाहे नादरा के साथ लिंकअप करके या जैसे भी है कि इसको वो ऑन स्पॉट उसको वेरीफाई कर सके, ये भी होना चाहिए, ये ना हो कि कोई इस आड़ में कोई जो है वो फेक अथॉरिटी लेटर यूज करके, क्योंकि वो जो पुलिस के इनके लोग हैं वो इतने उनके पास इतने इक्विप्ड नहीं होते कि वो उसमें कुछ इन फ्यू सेकंड्स या फ्यू मिनट्स जो है वो देख लें कि ये अथॉरिटी लेटर जो है जेन्युइन है, तो उस हवाले से भी ये कुछ अथॉरिटी लेटर के हवाले से भी कुछ इनको मेजर्स लेनी चाहिए कि वो अथॉरिटी लेटर को भी इस तरीके से चेकिंग हो कि वो पता चले कि ये जेन्युइन है, तो ये बहुत जबरदस्त है। और क्योंकि उसके अलावा भी और बहुत सारी बाइक्स के हवाले से भी है, क्योंकि ज्यादातर जो डकैती की या जो वैसे किलिंग की वारदात हुई है मोटर बाइक्स जो है उसके ऊपर, उसमें मेरे ख्याल से दोनों ये मोटर बाइक्स और जो कार्स हैं दोनों को ही उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर अपने नाम पे आप इसको, तो उसको ज्यादा इनको करने की जरूरत है मोटर बाइक्स को भी खास करके, क्योंकि अक्सर स्नैचिंग वगैरह और ये सब चीजों में देखने में नहीं आया कि ये जो स्नैच्ड गाड़ियां होती हैं उसके ऊपर ये ज्यादातर वारदात जो है वो की जाती है, तो इसलिए ये बहुत जबरदस्त है, इसको बिल्कुल बिल्कुल अप्रिशिएट भी करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है कि मतलब सिंध गवर्नमेंट और पुलिस हमारी ट्रैफिक पुलिस जो है ये बहुत अच्छा अमल करिए। गौर कटक साहब आप क्या कहेंगे सवाल से? मैं सबसे पहले तो भाई की दो बातों का जवाब दे दूं, भाई ने कहा कि हमें फंड नहीं मिले हैं, सर हम इस पे आएंगे, हम इस पे आएंगे, पहले हम ट्रैफिक के हवाले से भी कर ट्रैफिक पे भी आ रहा हूं। अच्छा, इनके कल कोई पीडब्ल्यूडी के 7 अरब 700 करोड़ रुपए के टेंडर हुए इनके हल्कों के, ठीक है ठीक है, वो फंड ट्रांसफर हुआ है को विफाकी हुकूमत ने दिए हैं 700 करोड़ रुपए, 7 अरब रुपए या 700 करोड़ रुपए। अच्छा, वो उनके टेंडर हो गए और, जी 7 अरब रुपए, उसी पे 700 करोड़ रुपए मैंने कहा, 700 करोड़ रुपए, 7 अरब कम होते हैं ना, 700 करोड़ बताए तो लोगों को पता चलता है कितने पैसे मिल रहे, तो वो इनके टेंडर हो गए और कुछ हो रहे और इनको ये खामोश रखा गया, वो इसी चक्कर में है, एमक्यूएम महंगाई पे बाहर नहीं आएगी, कराची के आवाम के लिए बाहर नहीं आएगी। अच्छा, मतलब फंडिंग होगी तो जो है चुप रहेंगे, नहीं होगी तो फिर वो बोलेंगे। देखिए, कहां नजर आ रहा है आपको कि एमक्यूएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि महंगाई, हमारे साथ हुकूमत में रहते हुए हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी बड़ी महंगाई हो रही है। अच्छा, दूसरी बात जो इन्होंने मर्दमशुमारी की, मर्दमशुमारी के लिए हमारी हुकूमत में 5 अरब रुपए रखे गए थे इमरान खान साहब की हुकूमत में, और ये हमारा ही दिया हुआ वो है कि बिल्कुल होनी चाहिए, जो सही है जो जेनियन है वो होना चाहिए, जहाँ जो आबाद है उसको शो करें। उस पर भी कल सिंध हुकूमत ने, इनके जो हुकूमत है उन्होंने वजीर आला और वजीरों ने कहा है कि जी हमें तहफ़ुज़ात है, अब उनको तहफ़ुज़ात होंगे ना, जब कराची की और हैदराबाद और शहरी इलाकों की गिनती जेनियन होगी तो उनको तहफ़ुज़ात होंगे। उस पर इनकी स्टेटमेंट नहीं आ रही कि जी वजीर आला साहब आप इस मसले क्यों गलत कर रहे हैं, क्यों इसको
गुमराह कुन बयान दे रहे हैं कि हमें डिजिटल मर्दमशुमारी पे तापुस आते हैं। नहीं होने तो नहीं चाहिए डिजिटल, हाँ, उन्होंने कह दिया है, कल वजीर आला ने भी कह दिया है और निसारपोरों ने भी कह दिया है, उन्होंने कह दिया है, कल की स्टेटमेंट आई है उनकी कि जी ये इस पे हमें तापुस आते, किस चीज के तापुस आते भाई, क्यों है आपको। अच्छा, जहाँ तक आपने कानून की बात की, देखिए जी ये कानून ट्रैफिक पुलिस के हवाले से, हाँ, जो कि अभी बहुत अच्छा जो है इनिशिएटिव लिया है, क्रैक डाउन कर रहे हैं, इशू आ रहा है कि हमें यहाँ तक पहुँचना क्यों पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर कानून और आयन पर अमल दरामद नहीं होता है। बाहर की दुनिया में सब चीज़ें हम लोग फॉलो करते हैं। जनरल बाजवा साहब जब जाते हैं तो बाहर सिग्नल पे रुक जाते हैं दुबई में, और यहाँ वो 70 गाड़ियों के काफिले लेके घूम रहे होते हैं और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता है। ये चीज़ें देखिए, इसको हमें इस पर खुद अमल दरामद करना चाहिए। ये सिंध हुकूमत का या सिंध पुलिस का नहीं, आवाम को भी इस पर अमल दरामद करना चाहिए, सजा और जजा का अमल होना चाहिए। अब आपको मैं बताऊँ, सिंध हुकूमत में जो इनके वडेरे हैं, जो इनके मिनिस्टर हैं, जो इनके सिस्टम के लोग हैं, उन पे कानून अप्लाई नहीं करता है। वो रोड पे खड़े होके लोगों को मार देते हैं, सर ये एक जतुई का बेटा हो या कोई ऐसे लोग हो, ठीक है। लेकिन अभी जब हम बात करें, जो हमारी जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है, जो एक ये अभी उन्होंने कार्रवाई स्टार्ट की है, जो ओपन लेटर्स पे गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे थे लोग, उनको फौरी तौर पे जो है 9 दिन का टाइम दिया गया था कि आपने अपने नाम पे करवाने नहीं है, जो जो ओनर है। मैं आपको वो इस हवाले से मैं कह रही हूँ, अप्रिशिएट करने वाली बात है ना, जो हमने देखा कि केपी ऑफिस में जो एक इंसिडेंट हुआ था, ये पहली मरतबा नहीं हो रहा है। इससे पहले भी फैंसी नंबर प्लेट के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है, ब्लैक स्क्रीन के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है, जो पीछे गार्ड बिठाए होते हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ है, लेकिन वो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, महीना 15 दिन चलता है, महीना 15 दिन, 2 महीने के बाद वो सिस्टम खत्म हो जाता है और फिर वही पुराना सिस्टम ऑन हो जाता है। कहने का मतलब ये कि इस पे अमल दरामद होना चाहिए, नहीं मुसलसल होना चाहिए, और जो एक आम बाइक के ड्राइवर के लिए वही रिव्यू और V8 की गाड़ी के लिए भी वही कानून होना चाहिए ना। अब यहाँ पर ये क्या करते, जो V8 में आता है उसके लिए कानून नहीं, नहीं सर, मोटरसाइकिल सिग्नल में पड़ी V8 और लैंड क्रूजर्स। देखिए एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहे। से पहले गुफ्तगू हुई थी गार्ड कैटेक साहब से, वो कहते हैं कि कानून सबके लिए होना चाहिए, बड़ी गाड़ियां और छोटी बाइक्स और गाड़ियों वालों के लिए भी वही कानून है जो कि उन लोगों के लिए है, तो इम्प्लीमेंटेशन जो है दोनों को बराबर करना चाहिए और पुलिस को भी दोनों के साथ बराबर की कार्रवाई करनी चाहिए, रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं राशिद साहब आपकी इस पर राय जानती हूँ, क्योंकि अभी इन्होंने आपसे मैंने आपकी राय ली, जाहिर आपने जो है जिस तरह से एक पॉजिटिव मैसेज दिया, गौरकटिक साहब ने भी इस हवाले से पॉजिटिव एक बात की है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल कानून सबके लिए होना चाहिए, अमीर हो या गरीब हो कानून सबके लिए इक्वल होना चाहिए। अच्छा, आप बात कर रहे थे जो अभी सिचुएशन चल रही है, आपने सेंसस के हवाले से भी अभी जिक्र किया और बाकी दीगर आपने जिस तरह से कहा। अच्छा, बात हो रही है पंजाब और KP के में इलेक्शन के हवाले से, आप समझते कि क्या अभी हमारा मुल्क इतना स्टेबल है कि हम इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं? देखें जी, ये बिल्कुल इररिलेवेंट है कि ये बात करना कि हमारा मुल्क इस वक्त स्टेबल है या नहीं, क्योंकि कोई भी मुल्क है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक रन करता है, ठीक है, और दिस इज अनफॉर्चुनेट कि हमारे ये वाला मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो आइन के अंदर लिखा हुआ है, कोई असेंबली डिसॉल्व होगी या अपना टेन्योर पूरा करेगी तो उसके बाद जो है वो वहाँ इलेक्शन होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। तो हमारे मुल्क में हमेशा ऐसा होता है कि जो आइन के अंदर किसी भी सिटिंग गवर्नमेंट के फेवर में लिखा होता है वो तो फौरन कहते हैं कि आइन पे अमल करें, वो खुद भी करते हैं, वो फौरन उस पे इम्प्लीमेंटेशन कर लेती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट होती है फेडरल, लेकिन जो चीज़ उनको सूट नहीं कर रही होती वो उसके एडवर्स जाते हैं, वो उसका वेट करते हैं, डिले करते हैं। ठीक है, विद ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, जब आप एक तरह से, मैं एक इम्पार्शियल होकर बात करूंगा कि अगर आप ये बात करते हैं कि PTI गवर्नमेंट जो थी उसको चाहे वो जो रिजीम चेंज था वो सही था या गलत था, उनको आपने उस वक्त उस बात को आपको कहते हैं कि असम्बलियों के जरिए इनको निकाला गया, तो ठीक है असम्बलियों के जरिए निकाला गया, लेकिन आज जो असम्बलियों के जरिए ही डिसोल्यूशन हुई, असम्बलियों की डिसॉल्व किया गया, तो फिर भी तो आपने कानून पे अमल करना है,
तो यहाँ पे आप आके फिर कानून में अमल करना आपने छोड़ दिया है, जिस वजह से मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी इस कानून पे अमल करें, 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराएं। तो ये पीटीआई की तरफ से अपनी तरफ से तो नहीं बात की जा रही थी, वो तो आईन की बात कर रहे थे भाई, कानून ये है इसके मुताबिक आप इसको इलेक्शन करवाएं। तो ये बात तो बिल्कुल लीगली अगर आप देखें तो, अगर वो ये बात होती है एक तरफ के इनको कानून के मुताबिक निकाला गया, तो कानून के मुताबिक ही ये बात कर रहे हैं कि हमने असेंबली डिसॉल्व हो गई है, सही। तो आप उसके बाद जो है 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराएं। तो सुप्रीम कोर्ट में जब भी या किसी भी कोर्ट में कोई चीज जाएगी तो उसमें जो स्टेच्यूट में या कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात लिखी हुई होगी वो प्रिवेल करेगी, उसी के मुताबिक ही जजमेंट आनी। सही। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए इनको डायरेक्शन दी कि आप ये चीज जो है वो करें, ठीक है। बाकी जो चीजें इनकी तरफ से इनिशिएट की गई, बात की गई कि वो फंड वंड जो भी, तो देखें पूरे पाकिस्तान में जो भी अभी नीचे डेवलपमेंट के लिए, हम तो कब से कह रहे हैं आर्टिकल 160 के अंदर अमेंडमेंट करें, लोकल गवर्नमेंट बनी हो उनको आप डायरेक्ट पैसे दे दें। ठीक। तो उसमें कोई भी फंड अगर एमक्यूएम को डेवलपमेंट के हवाले से इनके पीटीआई वालों को भी मिलते रहे डेवलपमेंट के फंड, तो वो ये नहीं है कि हमारे इलाकों को अब पब्लिक ऑफ पाकिस्तान के लिए, और अगर कुछ पैसे इस हवाले से मिले भी हैं तो विद ड्यू कोर्स ऑफ लाएं, किसी चोर दरवाजे से, किसी छुपी हुई तरफ से, कुछ ऐसा नहीं है। और आगे जो है वो जाहिर है उसमें अगर कोई भी चीज किसी को नजर आती है कि वो सही तरीके से वो पैसा नहीं लगा, तो उसके लिए वो कोर्ट में हमारे खिलाफ जा सकता है, ठीक। और इस वजह से आप मिलाइन नहीं कर सकते कि एमक्यूएम को पैसे पैसे मिले। वो इनकी तरफ से भी प्रोग्राम्स के अंदर आके, मैं तो इस चीज को पर्सनली क्रिटिसाइज करता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट के हवाले से जो आप इसकी लेजिस्लेशन कर दें, वहां आर्टिकल 160 में अमेंडमेंट करके वहां पे आप लोकल गवर्नमेंट को वहां से फेडरल गवर्नमेंट से डायरेक्ट पैसे मिले। ये एमएनएस एमपीएस वाला फंड वाला सीन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब तक नहीं है तब तक तो यही है। बिल्कुल। उसमें अगर किसी को फंड कहीं से रिलीज होते हैं और जब आपके अपने एमएनएस एमपीएस को हो तो वो तो ठीक है, वो तो गली में काम कर ठीक रहे हैं, है। जब किसी दूसरी पार्टी को एमकेएम को हो तो उसको आप कहें जी इनको पैसे मिले, आप चुप करके बैठ जाएं। और एक और बिल्कुल, चीज, मेरा ये क्वेश्चन एक था जो एक अभी चीज गायकाटे एक साहब चीज ने मैं कहा कि और ऐड कर एमक्यूएम वालों को दूं, भी पैसे मिले हैं, उनके पीपल्स कुछ पार्टी के साथ हमारा हलकों के आप लिए, तो जी इसलिए वो अभी चुप करके महंगाई के खिलाफ बैठे हाँ हैं। जी। दूसरा ये है कि ये जो पीपल्स पार्टी के साथ आप देखें, ये जो नेवी की एक्सरसाइज चल रही थी इंटरनेशनली, तो हमने उससे पहले एक प्रोटेस्ट का धरने का अनाउंसमेंट की इस इन्हीं इश्यूज पे पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के साथ कि हम धरना देंगे, आप ये सेंसिस के और ये लोकल गवर्नमेंट के जो इश्यूज थे उनकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। तो उनका आला सतह वफ जो है वो हमारे वहाँ मरकज पे आया, बातचीत हुई, बातचीत के जरिए इस मसले को उन्होंने शरायत मान ली। ठीक ये है। जो डिलिमिटेशन के हवाले से था 70 यूनियन काउंसिल के हवाले से, वो भी उन्होंने मान ली। 10(1) का उन्होंने लोकल गवर्नमेंट एक्ट सेक्शन 10(1) के हवाले से भी उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया। तो ये सारी एफर्ट्स एमक्यूएम ने की हैं, इनमें ओके। से कौन सी एफर्ट थी जो पीटीआई की तरफ से की गई? और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हम इसमें लोकल गवर्नमेंट एक्ट सेक्शन 10(1) के हवाले से जो हम जो सुप्रीम कोर्ट में गए वो भी हम गए, हमारी तरफ से बैरिस्टर फरख नसीम साहब ने पहले हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की, कोई और किसी पार्टी की तरफ से नहीं की। जब इन्होंने देखा कि ये इनका मौकफ हाई कोर्ट की तरफ से सुना जा रहा है, तो पीटीआई के जो लॉयर थे उन्होंने उसको कॉपी पेस्ट करके और सुप्रीम हमारे कोर्ट में चले गए, आर्गूमेंट हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चले नहीं, बात की बात कर रहा हूं मैं। तो गए। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कॉपी पेस्ट किया हमारे आर्गूमेंट्स को, अडॉप्ट किया। जी। फिर वो जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां कौन भी लेके गया इन्होंने, था? हम लोग लेके गए हाँ, तो पहले हम लेके गए थे ना, आप उसके बाद कॉपी पेस्ट किया इनकी तरफ से और हमारे आर्गूमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने अडॉप्ट किया कि जी ये जो कह रहे हैं वो ठीक है। थे। लीडिंग पोटिशन दोनों कोर्ट्स में हमारी थी और इन्होंने उसको अडॉप्ट किया है, इनके ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड ये बात है। और ये इनिशिएटिव फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा क्योंकि ये मैंडेट जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, तो ठीक। आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जाएं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जब हम आए तो उन्होंने 10(1) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, सही। तो जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई तो फिर हमने उसका बाइकआउट किया। तो हम ओके। तो हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो लीगल है चाहे वो फील्ड है, और फिर प्रोटेस्ट का हमने कहा तो हमारी ही बात पे उन्होंने एग्री किया, हमारी ही बात पे ये यूसीस का इंक्लूजन जो है उन्होंने माना, हमारी ही बात पे सेंसस के हवाले से वो एग्री हुए। इसमें बताएं कौन सा कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे इन्होंने चैलेंज पहले किया या आके इनकी वजह से पीपल्स पार्टी के साथ इनके मुजाकरात हुए और उन्होंने एग्री किया, हमारे साथ किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल आपका इशू ठीक है, दोनों
साइट्स पे उन्होंने हमारे साथ एग्री किया और उसकी जो फर्दर जो उसकी सेंसस के इश्यूज हैं उस हवाले से काम हो रहा है। तो ये हम अपने लिए नहीं कर रही, पब्लिक पाकिस्तान के लिए, जाहिर है उसका फायदा सबको होगा सही तरीके से अगर सेंसस जो है वो हो जाएगी, डेलिमिटेशन हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि भाई ने जो बात की, मैंने पहले कहा कि मर्दमशुमारी के लिए सेंसस के लिए पैसे इमरान खान साहब की हुकूमत ने रखे थे 5 अरब रुपए पिछले साल, पिछले से पिछले साल, और वो हम नहीं कराना था, हम ही करा रहे थे। जहाँ तक बल्दियाती इख्तियारात की बात की तो पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले पीटीआई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, एमक्यूएम हाई कोर्ट में थी, हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे और हमने जो रेट है सही है, एमक्यूएम भी सही थी, हम भी के भाई आप बल्दियाती इदारों को इख्तियारात थे। जहाँ तक भाई ने बात की कि पीटीआई हुकूमत में थी और इख्तियारात नहीं थी, तो इनको शायद मालूम नहीं है कि केपीके में हमने सबसे पहले इख्तियारात दिए बल्दियाती इदारों को, और इस वक्त सबसे मजबूत सिस्टम केपीके में है बल्दियाती इख्तियारों का, जहाँ पर फंड नीचे तक जाके देहातों तक रिलीज हो रहा है और वहाँ काउंसलरों के हाथों पे जो है ना तरक्याती काम हो रहे हैं, और वहाँ का जो विलेज मेयर है या सिटी मेयर है वो हमारे मुखालिफ भी है, उनको फंड मिल रहा है। आज तक वो एमक्यूएम की तरह इनका जो मेयर था क्या नाम था वसीम, वो आके रोता था, आज तक पेशावर वाला मेयर आके रोया नहीं है, JUI का मेयर है पेशावर का, उसने एक स्टेटमेंट सर मेरे पास मुस्लिम लीग नून से जो है वो सैयद नसार शाह साहब आए थे, उन्होंने कहा कि मैं खुद केपीके से मेरा ताल्लुक है, मैं आपको बताऊं कि वहाँ की काउंसलर्स जो है उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है। लेकिन उनको बोले आए मीडिया पे ना, देखिए अगर आप उनको बोले मीडिया पे आए ना, मुझे मैं आपको यहाँ एक चैलेंज कर रहा हूँ कि आप केपीके के मेयर को जो पेशावर का मेयर है इनका JUI का है और इस वक्त गवर्नर साहब का बेटा है वो, मतलब JUI वहाँ इतनी मजबूत है कि बाप गवर्नर है और बेटा उनका वो है पेशावर का मेयर है, उनसे आप जाके पूछे कि आपको इख्तियारात जो हमने आयन में थे वो पूरे मिले या नहीं मिले, वो आपको बता देंगे। अच्छा फिर हम सिंध में जो बल्दियाती इख्तियारात है उस पर हम सुप्रीम कोर्ट में थे और हमें अभी तक उस पर इख्तिलाफ है, अभी भी PTI रोडों पर है और PTI उस पर एहतजाज कर रही है। ये पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के बंद कमरों में मुजाकिरात करते हैं, हम बंद कमरों में मुजाकिरात नहीं करते, हम कहते हैं ये चीजें रोडों पे होनी चाहिए। अगर एमक्यूएम इतनी क्लियर थी तो इनको बायकॉट नहीं करना चाहिए था ना बल्दियाती इलेक्शन में, क्यों बायकॉट किया? बायकॉट की वजह ये थी कि लोग इन्हें रिजेक्ट कर चुके, ये अगर इलेक्शन में जाते तो रिजल्ट इससे मुख्तलिफ होता। हाँ रिजल्ट बहुत मुख्तलिफ होता, इन्होंने पीपल्स पार्टी को खुद रास्ता दिया है कि आप आगे, देखिए पीपल्स पार्टी के साथ ये पिछले 15-20 साल से कभी हुकूमत के अंदर कभी बाहर कभी पीपल्स पार्टी के खिलाफ, अभी भी हमें पता नहीं है कि सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हुए या मुखालिफ, हमें ये भी पता नहीं है कि अपोजिशन में या हुकूमत में, विफाक में पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हुए आसिफ अली जरदारी इनकी हर बात मान रहे हैं और सिंध में मेरा ख्याल है अपोजिशन में बैठे हुए, ये पॉलिसी हमारी समझ में नहीं आ रही कि कौन सी हुकूमत चल रही है। इनको चाहिए कि भाई आप आए ना पीपल्स पार्टी आपके साथ मुजाकिरा, आपने जो कमिटमेंट की थी, आपने बल्दियाती इख्तियारात की कमिटमेंट की थी, आपने कराची में तरक्याती कामों की कमिटमेंट की थी, आपने शहरी इलाकों की बात की थी, एक साल हो गया किस पे बात हुई है कि पीपल्स पार्टी ने कौन सा आपका काम कर दिया है, सिवाय आपको जो टाउन के एडमिनिस्ट्रेटर दिए हैं जो अभी कब्जा माफियों में मसरूफ है, वहां कुरंगी स्टेडियम में दुकानें बना रहे थे वो राशिद लतीफ अकेडमी में, तो जब उसको तोड़ने के लिए KMC पहुंची तो कुरंगी का एडमिनिस्ट्रेटर पहुंचा कि जी मैं बना रहा हूँ अभी पिछले हफ्ते क्योंकि वो एक एक दुकान एक एक करोड़ रुपए की बिक रही है और उसमें इनका MPA भी मुलविस रहा है, उधर का लोकल MPA मुलविस रहा है, रेंजर और छोड़े ना नाम नहीं लूंगा छोड़ दे वो इनसे ले लेना। अच्छा इनके रात को दो बजे आपने बता रहा हूँ आगे तस्दीक आप कर लेना अपनी टीम भेज के ना, नहीं मैं लोकल MPA कह दिया बस खत्म हो गई बात, नाम नहीं लूंगा, कुरंगी राशिद लतीफ अकेडमी स्टेडियम है उसमें दुकानें बना रहे थे, जब रेंजर और पुलिस और KMC में भी इनका एडमिनिस्ट्रेटर बैठा, उसने जब जाके तोड़ने की वो की मशीनरी लाई तो कुरंगी का एडमिनिस्ट्रेटर आगे वहां खड़ा हो गया कि जी मैं बना रहा हूं, और वहां का लोकल लोग भी खड़े हो गए हम बना रहे, जब उसको तोड़ा गया तो रात को 2 बजे फिर इन्होंने काम शुरू किया उस पर, जब रात को 2 बजे काम शुरू किया गया फिर KMC रेंजर और पुलिस आई तो रात 2 बजे इनका एडमिनिस्ट्रेटर आके अपने बंदे छुड़वा के ले गया वहां से कि जी ये मेरे बंदे, मैं कहा मतलब इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर इस चक्कर में लगाए हुए कि जो बचा कुचा कराची में ग्राउंड है या पार्क है उस पर फौरन कब्जे करा लिए जाए,
क्योंकि अब आने वाले 4-5 साल में एमक्यूएम तो बलदियाती सिस्टम से बाहर हो गई है, इन्होंने बायकॉट किया, बलदियाती सिस्टम से बाहर हो गए, अब ना इनका एडमिनिस्ट्रेटर आएगा ना टाउन में लोग आएंगे, तो इन्होंने जो करना है अभी कर दो जल्दी से ताकि देर ना हो जाए। इन्होंने चूक किया पीपल्स पार्टी के साथ, इन्हें कभी भी नहीं जाना चाहिए था, ये इनकी अपनी राय है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा कराची और शहरी इलाकों के पीठ में छुरा कौम पाए, कौम पाए हमेशा इन्होंने, पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए क्या किया, फिर भी आज जाके पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हुए, किस बेस पे बैठे हुए, पिछले 20 साल से आपके साथ क्या हो रहा है, और हमने कराची को 1100 अरब रुपए दिए, हमने के पोर शुरू किया, हमने आपके मेट्रो बस शुरू की, आप हमें छोड़ के महंगाई का बहाना करके और वहां बैठ गए फोन कॉल। ठीक है सर, हम देखें जी, सबसे पहली एग्जांपल जो है पीटीआई के हवाले से, ये जब फेडरल गवर्नमेंट में थे और अगर ये लोकल गवर्नमेंट के हवाले से कह रहे हैं ना केपीके के अंदर हमने जो है वो सिस्टम ठीक कर दिया, तो ये सवाल लोकल बॉडी, सॉरी, हाँ जी लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम ये कह रहे हैं वहाँ बहुत जबरदस्त हमने कानून साजी कर दी, तो उसी तरह की कानून साजी यहाँ सिंध में पीपल्स पार्टी ने भी की, जिसके खिलाफ आज तक हम कह रहे हैं कि आप डिप्राइव करते हैं, इख्तियार छीनते हैं लोकल गवर्नमेंट के, ये जो आपने कोर्ट किया ना कि वहाँ नून लीग के एक आए वो कह रहे हैं कि वो हेल्पलेस हैं वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट के लोग हैं, तो सिमिलर लेजिस्लेशन जैसी यहाँ सिंध गवर्नमेंट ने करके लोकल गवर्नमेंट के अख्तियार छीने, वहाँ इन्होंने करके वहाँ अख्तियार छीने। और दूसरा, अगर ये लोकल गवर्नमेंट के हवाले से मुखलिस होते, पावर में थे, अख्तियार में थे, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर इनके पास इख्तियारात थे, तो ये लेजिस्लेशन करके आर्टिकल 140A के अंदर एक चैप्टर ऐड करके पूरे पाकिस्तान के लोकल गवर्नमेंट के इदारे जितने चारों सूबों के अंदर ये इख्तियारात दे देते लोकल गवर्नमेंट। 18वीं तरमीम वाला मामला नहीं, टाइम शॉर्ट है मेरे पास सर, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है कहाँ होगी, नंबर पहला सवाल मैं इनके लिए सवाल छोड़ रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आइन के अंदर जब तरमीम होगी तो वो कहाँ होगी, 18वीं अमेंडमेंट की तो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है ना, वो होगी नेशनल असेंबली में, इसका 18th अमेंडमेंट के साथ क्या वास्ता, वहाँ बैठे हुए हैं सारे नेशनल असेंबली के लोग, उन्होंने बैठ के ये आइन के अंदर तरमीम करनी है, आपकी अपनी मर्जी की कोई भी लेजिस्लेशन होती है वो आप 2 मिनट में कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो पब्लिक ऑफ पाकिस्तान की है उसमें नहीं, और अपने अपने सूबों की बात, यहाँ नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल इश्यूज को एड्रेस करना होगा जब पाकिस्तान की डेवलपमेंट की कोई भी बात। बहुत शुक्रिया राशिद साहब आपका अपने टाइम, गौर कटक साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी आपने अपना टाइम, तो उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को हमारे प्रोग्राम अच्छा लगा, इसी के साथ अपनी मेजबान निदा सुख ने इजाजत, मुझे मेरे मेहमानों को मेरी टीम को दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।